अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज एक बड़ी ख़ुशी का पैगाम और एक नवीद मुसर्रत लेकर आपके दरमियान आया हूँ। वो ख़ुशी का पैगाम है और वो नवीद सहर और वो बाद नसीम चली है कतर की सरज़मीन से। अल्लाह जजाए खैर दे वहाँ के हुक्मरानों को और वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों को। एक ऐसे वक्त में जबकि तमाम अरब ममालिक यहूद व नसारा के सामने सजदे कर रहे थे, उनकी तहजीबों की इत्तिबा, उनकी त्यौहारों की इत्तिबा, उनको खुश करने के लिए उल्टे सीधे कवानीन अपने ज़मीन पे पास करना, तमाम शैतानी कामों की अपनी ज़मीन पे इजाज़त देना, ये सब अरब ममालिक कर रहे थे, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में हर रोज़ मायूसी में इजाफा होता जा रहा था। ऐसे जुल्मतों भरी भरे दौर में और ऐसे अंधेरे में और ऐसे यहूद व नसारा के सजदे करने वाले माहौल में सरजमीन कतर ने जो जुरतमंदी और गैरत इस्लामी का मुजाहरा किया, हम हज़ार बार सलाम करते हैं उन्हें। कि एक ऐसा खेल कि जो यूरोप का बड़ी अहमियत का हामिल है, बल्कि बाज तरफ से ये खबर आई है कि यूरोप वाले उसे अपने मजहब का भी जुज मानते हैं, फुटबॉल खेल और उसका सबसे बड़ा ये टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप, और इसके पीछे बिलियनों खर्च किए कतर ने, और इन सब के साथ जो कारनामा अंजाम दिया वो ये कि इस सबको इस्लामी रंग में रंग दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जगह जगह जो है बोर्ड आवेज़ा हैं जिसमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, कुरान की आयात हैं जो पूरी इंसानियत को दर्स दे रही हैं, इंसानियत का, सलीक़े का, तहजीब का, तमद्दुन का। अलगर्ज हर तरफ इन्होंने इस्लामी माहौल बनाया, कुरान की आयात की तिलावतें हैं, इसी तरीके से गैर इस्लामी जितनी हरकतें हैं, शराब नोशी है, मौसीकी है, और जो है बेपर्दगी का जो सैलाब रहता है फीफा वर्ल्ड कप में, इन तमाम पर जो पाबंदी लगा दी उसने बगैर डरे हुए, कोई झिझक नहीं कि इसका बायकॉट किया जाएगा, इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं डरे, बगैर झिझके, बगैर डर और खौफ के एक मुसलमान जो आज से सदियों पहले जिस जुरत और जिस गैरतमंदी के साथ जीता था उसका सबूत दिया अल्हम्दुलिल्लाह कतर वालों ने। हम बे इंतहा उन्हें सलाम पेश करते हैं कि आपने ऐसा करके न सिर्फ उन अंग्रेज़ों को, उन बद तहजीब लोगों को, उन बेलिबास नंगे लोगों को एक सबक सिखाया है, वहीं दूसरी तरफ ऐ कतर वालों तुमने दूसरे अरब हुक्मरानों को ज़ोरदार तमाचा मारा है कि क्या करेंगे ये अंग्रेज़ लोग, क्या करेंगे ये यूरोप वाले, ये खुदा है, ये अल्लाह है, नाऊज़ बिल्ला, इनसे डर के हम अपने तहजीब व तमद्दुन का सौदा कर दें, पुरानी तालीमात का सौदा कर दें, नाऊज़ बिल्ला। सलाम है कतर वालों तुम्हें, और हमारी दुआ है अल्लाह तुम्हारी हुक्मरानी को और मजबूत करे, तुम्हारी गैरत ईमानी में और इजाफा करे, तुम और चमको, तुम और तरक्की करो, और अल्लाह हम सबको इस दुनिया में खैर के साथ जिंदा रहने और खैर पर मरने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।